Yep, that's me. You're probably wondering how I got myself into this situation. Well, it all started 2 days ago. Welcome, 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 welcome to the vlog. और आज है मेरा जन्मदिन. क्यों करता हूँ मैं? क्यों करता हूँ मैं ये सब? क्यों व्लॉग पर आ रहा हूँ खुद का? पार्टी का प्लान चल रहा है. पार्टी तैयारी वारी कर रहा हूँ मैं. अभी मैं जा रहा हूँ. वो सब छोड़ो गाइस, तुम पहले ना ये देखो पीछे. ये तो मेरे सारे मेडल रखे. अरे दो ही है क्या? तीन है भाई. तीन ट्रॉफी रखी है मेरी. तो होशियार होशियार तुम्हें हुई पता ही है मैं इतना होशियार हूँ. भाई तुम्हें पता ही है हमारे यहाँ लगी सीलिंग. ये देखो जला के दिखाऊँ. ये सीलिंग ये लाइट जला दिखाता हूँ तुम्हें. रुको. ये गजा एकदम. ये देखो देखो. अभी देखो अभी देखो क्या करता हूँ. अभी देखो मैं जाऊँगा कैमरामैन के पास. कैमरामैन को मैं लेने जा रहा हूँ. भाई गाइस कैमरामैन जो है जो मेरा दोस्त बेचारा बहुत ही मेहनती आदमी है. दुकान लगा रखी है उसने दिवाली के चक्कर में. तो वहाँ पे जाना पड़ेगा गाइस. और गाड़ी भी धोवा के लानी है. तो अभी आपसे मिलता हूँ कैमरामैन के साथ. इस मेहनत मजदूरी वाली दुकान पे आ गए हम. यहाँ पे आकाश भाई रोटी खा रहे हैं. ये देखो इनकी बाहर दुकान लग रही है गाइस. ये देखो क्या बेचते हो तुम? लड़ियाँ. क्या बेचते हो? दिवाली की लड़ियाँ. दिवाली की लाइट से बेचते हो? इनको भी पता ठीक से कैसे बोल रहा होता है. ओए सुन, तुझे पता क्या करना है? तुझे करनी है रिकॉर्डिंग. ठीक है. फिर से वापस आ चुके हैं नितिन के पास. गाइस मेहनत मजदूर वाला लड़का आपको फिर से आ चुका है हमारे पास. बताओ कैसे? गाइस अभी सो के उठाए. कोई बात नहीं, इग्नोर करो इसकी हरकतों को. तो गाइस अब अभी हम लोग जा रहे हैं. तो गाइस मैं कह रहा था कि आज डिंपी भाई जो है हमारे साथ है पूरे दिन एज ब्लॉगर नंबर टू. अरे मैं आपको बताता हूँ. तो एक्चुअली क्या हुआ कि विशेज आए मेरे को बहुत सारे. लिख रहे हैं अरे भाई रुपम सुपर हैप्पी टू हैव यू इन लाइफ ऐसे ऐसे. तो मैं कहा यार वैसे तो लोग मुझे बहुत बुरा वाला बोलते हैं पर आज अच्छा लगा कि लोग कुछ ऐसे भी है जो मेरे को अच्छा समझते हैं. तो अच्छा लगता है यार. ठीक है डिम्पी आपका क्या विचार है इस बात पे? भाई क्या तुम्हें क्या लगता है क्या मैं रेड फ्लैग हूँ? टॉक्सिक हूँ मैं? भाई मेरे को 100% लगता है. नहीं भाई सच में ये तू टॉक्सिक तो है. अपनी तरफ से दिखाओ. देखो भाई रूपम भाई टॉक्सिक तो है. दो मिनट में आउटफिट चेंज करके ठीक है. ये देख लो आउटफिट क्या पहन रखा है. आता हूँ. तो गाइस आ गया मैं आउटफिट चेंज करके. ये देख लो शॉर्ट आउट टू फॉर दिस शर्ट. भाई अच्छी शर्ट है. एंड देख लो कैसी लग रही है भाई. फोटो भी दो ऐसे स्क्रीनशॉट. सुनो स्क्रीनशॉट ले लेना ऐसे करके मेरा. ऐसा कुछ अच्छा सा फोटो करो. अच्छी आ रही फोटो. कैसा लग रहा है खुशी? खीर बहुत अच्छी है. खीर बहुत ही अच्छी हो रही है. तो गाइस मैं तैयार वैर हो गया हूँ कपड़े वपड़े पहन के. और तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही होगी गाने वानों की. आई पता नहीं यार मैं क्यों करता हूँ मैं पार्टी वार्टी इतनी है. तुम लड़ी देखो भाई क्या गजब लड़ी लगाई है पापा ने. भाई क्या है बड़ी गंदी लड़ी लगाई. देखो भाई ये देखो ये ऐसी लड़ी बहुत अच्छी लगाई है. ये पड़ोसियों की लड़ी कैसी लग रही है? तुम लगाओ. तुम इनमें नहीं है भाई. ये कहाँ लड़ी लगाएंगे वो. ये थोड़ा समझ जाओ तुम. बाकी तो लड़ी तो ये है भाई. ये देखो ये लड़ी इस छत में लड़ी लगवा दी दिवाली के चलते. तो शॉट आउट टू अंजलि फॉर दैट ब्रेसलेट. अब मैं पहन नहीं पाया. जैसे तुम लोगों को पता ही है छोटी दिवाली भी आज. तो पटाखे जल रहे हैं. तो पटाखे जल ही रहे हैं. तो हाँ कैस वर्ट गाइस ये लिया है बम. अब देखो तुम बोल दो ठीक है. पता है मतलब क्या भाई अपने जन्मदिन पे अकेले ही पटाखे फटका रहा हूँ. सैड इससे सैड कुछ हो सकता है? कुछ सैड नहीं है भाई. तुम्हें दिखाता हूँ. अभी डिम्पी लोग आएंगे. डिम्पी नितिन सब आएंगे. तब जलाएंगे कुछ बम. कुछ धमाका करेंगे. किसी के घर वर में आग लगा दूंगा मैं. ऐसा मैं नहीं करता हूँ. ऐसा सस्ता काम ऐसा अच्छा काम करता हूँ बस मैं. ये आकाश है तो मैं बताऊँ. ये आकाश ने इतनी गरीबी चिंदी बची मचा रखी है ना. इसके फोन में रिचार्ज तक नहीं होता. चार चार पाँच चार पाँच पाँच छः दिन हो जाते हैं रिचार्ज खत्म हुए. फिर कहता है हमने तो इनकमिंग बंद करवा रखी है. कैसा हंसता है गाइस. इसकी दुकान लगी पड़ी है चार लड़ी लेके. हमने आपको वो समझ रहा लाइटिंग महाराज. कैसा हंसता है देखियो. ये जितनी हरकत कर रहा हूँ ना सबने एडिट करके डाल दूंगा मीम बना के.
बहुत बुरी बेइज्जती होगी, 400 व्यूज आ मेरी यूट्यूब पे। कपड़े कैसे पहन रखे इसने, अच्छे, अंदर से इंसान कैसा है, गलीच नीच खोखला शैलो। ये कपड़े महंगे हैं, अंदर से आदमी कैसा हूँ मैं, नीच गलीच पागल रिटार्डेड खोखला शैलो। गाइस ये मेरा दोस्त है, एक दोस्त है, इसने इतने नीचे पन्ने मचा रखे हैं, सुनो मैं बताऊँ, इसने कपड़े कैसे पहन रखे हैं, बहुत अच्छे, अंदर से आदमी कैसा है, गलीच नीच खोखला शैलो रिटार्डेड। ये पूछ लो इनसे, ये तो सार भाई कितने अच्छे भाई, मिंट से पहले फोन करते यार। मिंट देखो, ये देखो इस भाई, ये दोनों ही ऐसे फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है। अच्छा। गाइस मैं बताऊं तो मैं बताता हूं लाइटिंग। गाइज तुम्हें पता चलो फरीदाबाद का डिस्ट्रिक्ट नाम पता होगा, मैं वहीं से तो हूँ। तो ये पहुँच गए गांव से और फरीदाबाद, ये पहुँच गए गांव से फरीदाबाद, और फिर ये आने का वापस नाम वापस आने का नाम ले रहे, पता नहीं कहाँ मिल गया। ये देखो गाइज, मतलब इतनी गंदगी कर रखी है ना, मैं आके बाजार बीच बाजार में खड़ा हूँ यहाँ, इनका वेट कर रहा हूँ, चलो भाई सब चलेंगे और वहाँ पार्टी वार्टी करेंगे। तुम्हें देख लो, देख कैसी फौज पाल रखी है, पता नहीं जन मैंने, तेरा तो कंटेंट डालूंगा बेटा बहुत तगड़ो, तो मीम बनाऊंगा। इसका चेहरा देखिए, इसने कपड़े कैसे पहन रखे, कपड़े भी गंदे पहन रखे। गाइस सुनो, तुम सब सुनो, यहाँ पार्टी हो रही है, मेरा जन्मदिन है, सब लोग भाई इकट्ठे हुए, सब जा रहे हैं, एक बंदा ऐसा है जो यहाँ लड़ी बेच रहा है, सुबह से लड़ी बेच रहा है, देखिए अब पैकिंग कर रहा है अपनी लड़ियों की। गाइस ये आकाश है, ये आकाश, ये देखो इसकी एक बात बता, ये जा रहा कहीं। गाइस आकाश है ना, एक दिन पता है, एक दिन आकाश मिला इसको कृष्णा को, पता कृष्ण रहता दूर, कृष्ण दूर रहता, तो आकाश का किसी काम से गया था दूरी इससे मिलने, तो ये आ रहा था कॉलेज से किसी के साथ, तो आकाश ने कहा अरे कृष्णा भाई, कृष्णा भाई, अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। तो आकाश ने कही कृष्णा भाई, कृष्णा भाई, कृष्णा ने ऐसे कह दी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, फिर वापस नहीं आया। हम जा रहे हैं बॉम्बे टूर, कहाँ जा रहे हैं नितिन, गोवा जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं घर, और यार ऐसा कैसा बर्थडे कि मेरे को सब ऑर्गेनाइज करना पड़ रहा है, सब कुछ मेरे को ऑर्गेनाइज करना करवाना पड़ रहा है। तो गाइस हम लोग स्पीकर लेने जा रहे हैं, स्पीकर लेके घर जाएंगे, JBL की स्पीकर थोड़ी है, दुकान पे चलो आकाश की। हाँ ये रे गाइस, अब हम लेंगे स्पीकर यहाँ से और घर पे बजाएंगे फिर आराम से, वही तो पटाखे मिले नहीं, पटाखे जलाएंगे फिर। ये देखो गाइस अभी भी आकाश अभी अपने काम में बिजी है, और आकाश पापा भी। गाइस ये देखो, ये नितिन बाहुबली बक्से उठाते हुए, यू कैन डू इट। गाइस मदद मांग रहा है, गाइस मदद मांग रहा है, देखो ए कृष्णा बाहुबली, ये गजब गाइस, कृष्ण की हेयर स्टाइल देखो तुम, ये एक बिल्कुल भाई ने ले जाके सेट करवा, ये कहां ले जा रहे, अरे ये कहां ले जा रहे, पुलिस आ गई, हम तो पटवारी है। गाइस मैं कह रहा हूँ कि मैं तो अब बिजली की दुकान पे लगने वाला हूँ काम पे, मेरा बर्थडे सब सेलिब्रेट हो गया। ये देखो कैसे कैसे बैग से ले जा रहे मैं क्या करूँ, मेरे जन्मदिन वो भी काम करवा लो, रख दे वो अपनी मजदूरी का पूरा पैसा नहीं मिला कृष्ण को, तो उसने मना कर दिया, मैं नहीं कर रहा आप काम, उतारे वो जब ही तो मैंने पकड़ लिया। गाइस बहुत देर हो गया खड़े खड़े, लेकिन अब मेरे से मिलने आए हैं घनश्याम, ये देखो ये एक वो बंदा जो हमारे ग्रुप में सिर्फ कमाता है और सारे नल्ले बेरोजगार है यहाँ पे। आकाश भी तो कमाता है, अरे यहाँ ये तो बिजनेस मैन है, ये इससे ज्यादा कमाता, पर घूमता पता नहीं किस पे गधा घोड़े। तो गाइस पता क्या हुआ कि गाइस क्या हुआ कि डिम्पी की मोटरसाइकिल की चाबी जो है वो खो गई, तो हम कह रहे भाई चाबी कहाँ, तो एकदम से नितिन आता है साइड में से निकल के, कैसे एक्शन किया तूने, चाबी किस पर है, ये कह रहा चाबी किस पर है इसकी शक्ल देख के हम समझ गए चाबी इसी के पास, अगर हमने इस तरह मारा
भाई नहीं है मेरे पास अभी, मैं सही बोल रहा हूँ। हैं? हाँ। दे दे चाबी, अब दे तो दे, ब्लॉग मत कर ले। ब्लॉग मत कर ले जब भी। घर पे मैं आ गया हूँ स्पीकर की कुछ तो मशीन लेके, और बाकी सब आ रहे हैं। ये देखो देखो हाँ गाइस, ये देखो मेरी डेकोरेशन कर दी 19 की, 19 का हो गया मैं, 19 का एक। ये देखो गाइस, ये क्या घर बन रहा है मेरा भाई। तूने बर्थडे भी बुलाया, तुम तो कर्मचारी बता रखे। ये देख, ये देखो आवाज। गाइस यहाँ पे कनेक्शन कर रहा है आकाश डीजे बजाने के लिए। गाइस अब हम लोग केक काटने के बाद पटाखे लेने जा रहे हैं। क्या कौन से पटाखे? गांधी जी के तीन बंदर। गाइस इनके पीछे बम जला देते हैं। गाइस मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेन चल रही है और घनश्याम जो है पैसेंजर खड़े हैं यहाँ पे। घनश्याम ट्रेन में क्यों नहीं बैठ रहे आप? जिगर नहीं है यार, इसमें जिगर नहीं है। ट्रेन देखना जरा। अरे आजा मेरे। गाइस हम लोग को अभी वो मिला है डोरेमोन मिला था, तो वो हमको बेम्बू कॉप्टर देके चला गया। बेम्बू कॉप्टर कैसा दिखन? गाइज मैं अभी थोड़ा सा मैं नाच रहा था थोड़ा सा, और मैं वापस आके देखा तो मेरे जो डेकोरेशन है वो खराब हो चुकी है। देन आई सॉ कि क्या हो रहा है। एंड तो गाइस फाइनली पार्टी वार्टी हो गई है और ये सब नाच लिए हैं। अब तुम्हें कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है नितिन? मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ वो तो। गाइस ये वाला पार्ट कर दूंगा, नितिन वाला पार्ट नहीं आएगा। तो गाइस अपेरेंटली जब भी नितिन ऐसी कोई हरकत करता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि तू ये मत कर, मैं तेरा वाला पार्ट कट कर दूंगा। तो वो नाराज हो जाता है कि अरे यार मेरा पार्ट कट मत करो, ऐसे गुस्सा हो जाता है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे मजे आ रहे हैं, आनंद आ रहा है बिल्कुल। गाइस नितिन ने सब कुछ फाड़ फाड़ के पहन लिया अपने सिर पे, पता नहीं क्या है, घर वजह क्या है। तुम बताओ कैसा लग रहा है? बहुत मजा। और यही वो मोमेंट था जहां आकाश को लगा कि ये सबका इंटरव्यू ले रहा है, और अगर मैं यहाँ पे बम जला देता हूँ तो बहुत ही मजा आ जाएगा, और इसने ऐसा ही किया। आकाश भाई एकदम एक नंबर का था भाई।